हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आप लोग यहां पर काफी बड़ी हायरिंग आ चुकी है फ्रॉम द इनफोसिस इन्फोसिस ऑफिशियल बल्क हायरिंग अनाउंस फॉर 2024 से 2020 बैच के लिए सभी को बात करेंगे रोल काफी अच्छा होने वाला है ओके okay. अप्लाई कैसे करना है अप्लाई लिंक कैसे आपको मिलने वाला है इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो को आप लोग जो इन तक जरूर देखना सो चलिए फ्रेंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट ओके okay. तो बाद फिर यहाँ पर के आप लोग इनफोसिस रिक्वायरमेंट आ चुकी है फॉर द रोल कॉल्ड एस एंड एस मतलब स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट आप लोग के लिए आ चुकी है और ये हायरिंग बेसिकली आपका ऑन कैंपस हायरिंग है तो जो भी ट्वेंटी फोर बैच के ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स से आप लोग अपने कॉलेज से बात कर सकते हो कि ऑलरेडी ये कंपनी कॉलेज में हायरिंग को अपने अनाउंस को कर चुकी है ठीक है और एग्जाम जो फिर आपको मिड जुलाई के मिड में आपको एग्जाम भी देखने को मिलेंगे सैलरी काफ़ी अच्छा होने वाला है सिस्टम इंजीनियर और डी की रिक्रूटमेंट तो आ चुकी है सिस्टम इंजीनियर की रिक्रूटमेंट भी आप लोगों के लिए काफ़ी जल्द देखने को मिल जाएगा ठीक है ओके okay. और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है डिटेल अगर आप लोग चाहते तो ना यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए वीडियो बना रखा है एग्जाम पैटर्न सिलेबस को लेकर वो तो हो गया आपका ऑन कैंपस हायरिंग को लेकर आप बात करते हैं ऑफ कैंपस को लेकर तो ऑफ कैंपस के लिए आप लोग जो है प्रोसेस ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्डमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और जितने लोग भी पैटर्न के लिए प्रिपरेशन करना चाहते होते होते हो पी डी एस को लेकर यूट्यूब पर सर्च करना आपको करियर गाइड इन्फोसिस डी एस एग्जाम पैटर्न सिलेबस प्रिपरेशन रिसोर्सेस आपको सारे के सारे मेटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएंगे और एक और रिकॉर्यमेंट जो है प्रोसेस ट्रेनिंग जिसमें कि आप लोग किसी भी ग्रेजुएट फील्ड से हो आप लोग सभी में अप्लाई कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर आप पता है कस्टमर सपोर्ट फुल टाइम ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पर आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बता दिया गया है वो आप लोग देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने अप्लाई नंबर के आपको जो है यहाँ पर अप्लाई कर देना है तो अप्लाई करना ठीक है और आपने कॉलेज से बात करना ट्वेंटी फोर बैच कैंडिडेट से आपके पास कॉलेज आपको मेल करेगी नहीं तो फिर आप लोग कॉलेज से कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना अगर आपके पास कॉलेज में कॉलेज में आपके कॉलेज में इफोर्स आई है कि नहीं आई वो आपको अपडेट कर देंगे और जब भी होगा तो आपके पास ऑफिस में रहना चालू हो जाएगा तो ये फिर आप लोगों के लिए काफी बड़े रिक्रूटमेंट तो कुछ भी डाउट पूछे ना